पानी में तकलीफ होना और बापा रहो गवर्नमेंट फाड़ तो साइन करा दिया नून जाओ मैं यहाँ आया, किसी ने समाचार किए क्या जो मेन गेट बस स्टैंड का पहले खुला था वो खुला था तो कोई बंद कर रहा था। हमारे पास समाचार आए, मैंने कहा आयुक्त को टेलीफोन किया मगर आयुक्त कोई भी ध्यान नहीं दे पाया ना। मेरे हिसाब से जहाँ तक है कल किसी आदमी ने ये कह रहे हैं क्या किसी आदमी ने दो साइन करा के और फर्जी करके और ये गेट बंद करके करना चाह रहे थे तो मौके पे आया। ये देखो बस स्टैंड का काम ऑलरेडी अब हम चालू करने जा रहे हैं तो इसीलिए अभी कोई गेट बंद नहीं करे। अभी गलत काम होगा उसके लिए मेरे को कहीं भी जाना पड़े चाहे कुछ भी लोग हमको कहे मगर सच के साथ मैं रहूँगा और सच के सिवा कोई काम नहीं करूँगा। और उन्होंने जो आरोप लगाए या उनको सिद्ध करने का पूरा चैलेंज के साथ सिद्ध करने का दिया जाता है वो अपने कार्य अपने जिस तरह से व्यवहार किया है वो व्यवहार बहुत गलत हुआ है। और इसके किसने, लिए किसने व्यवहार गलत किया है कौन था? कुछ लोग आए थे हमारे पार्षद नरेश 19 नंबर से है उन लोगों ने किया और प्रतिपक्ष नेता साथ में एक्शन साहब साथ में ये उसके हिसाब से जो अपना रास्ता है हॉस्पिटल के सामने उसको रोकने के लिए कोशिश की गई। जब भी वो चेयरमैन साहब ने हमें वहाँ नगर परिषद में बैठे थे जब हमने हम टीम को भेजी है जब हमें आए तो टीम तो यहाँ से जो ईंटों की गाड़ी है ट्रैक्टर जो भी थे लेके चले गए। अब मुझे ये लग रहा है कि आयुक्त को टेलीफोन करने के बाद भी आयुक्त नहीं आया तो आयुक्त की मिली भक्ति है, जिसको भी कराना चाहता है वो आयुक्त खुद ही इसको अतिक्रमण कराना चाहता है। तो अभी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे इसके लिए और आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई कराने। पसंद आया था उन्होंने कहा भाई ये आप रुकवा रहे हो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं अब उसके ऊपर बात करेंगे कि आरोप क्यों लगाए क्या है। बात करेंगे ना उसके गलत आरोप लगाए अभी शराब के ठेके को लेके। अब ये कमरा बन रहा था रास्ता बंद हो रहा था ये तो आने पे मालूम पड़ेगा वो क्या करना चाहता था। आयुक्त की 100% में मिली भक्ति इसमें कोई शक नहीं है। आयुक्त ने हमने टेलीफोन करने के बाद भी आयुक्त नहीं आया इसलिए हम तो कोशिश करेंगे अगर चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कलेक्टर साहब से बात जाके कि आयुक्त को अभी का अभी रिलीव करके भेजा जाए।